चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट हॉल। मैंने कुछ बहुत सारे मिक्स्ड ऑफ चीज़ें फ्लिपकार्ट से मंगवाई हैं एंड मुझे नहीं पता था कि फ्लिपकार्ट में इतने सारे वैरायटीज और इतने अच्छे डील्स में मिल रहे हैं। तो मैंने कुछ मिक्स्ड ऑफ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं जो मैं आज के वीडियो में शेयर करूँगी। सो या आई होप यू विल एन्जॉय दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे मैंने बताया, मैंने कुछ फैशन रिलेटेड चीज़ें मंगवाई है। तो सबसे पहले मैंने मंगवाया है ये इंडिगो कलर का कुर्ती। इंडिगो कलर के कुर्ती काफ़ी सूदिंग लगता है एंड बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल लगता है। एंड ये ब्रांड मैंने लिबास से मंगवाया था। तो इसकी जो कुर्ती है, इसे मैं ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। ये कुर्ती कुछ इस तरीके के पैटर्न में है, आप देख सकते हैं। बीच साइड में इस तरीके के डिज़ाइन है एंड रेड विथ इंडिगो कलर का प्रिंट है। इस तरीके की कुर्ती मेरे को मतलब काफ़ी कंफर्टेबल लगता है और ये सारी कुर्ती आप घर में भी पहन सकते हैं। लाइक जैसे मैं रेगुलर वीडियोस बनाती हूँ तो कुर्ती वगैरह पहनने में काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये स्ट्रेट पैटर्न का कुर्ती मंगवाया है। इसकी जो प्राइस वगैरह है मैं यहाँ पे स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी, क्योंकि मेरे को ऑफ़र प्राइस में मिला था तो अभी मेरे को याद नहीं है। तो सारा चीज़ मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी एंड इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट के ऐप में आपको बहुत सारे वैरायटीज मिलेंगे एंड काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शंस मिलेंगे एंड प्राइसेस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। जैसे मैंने ये लिबास का मंगवाया था, ये कुर्ती आप घर में भी पहन सकते हैं, बाहर में भी पहन सकते हैं। इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है। इफ़ इन केस अगर आपका फिटिंग नहीं हो रहा है एंड यू वॉन्ट टू रिटर्न, विदाउट एनी क्वेश्चन आपका एक्सचेंज या रिटर्न हो जाएगा। ऑल्सो काफ़ी जल्दी ही लोग डिलीवर करते हैं, लाइक मतलब एक दो दिन में मेरे सारे प्रोडक्ट्स आ गए थे। सो यह पहला प्रोडक्ट मैंने ये कुर्ती मंगवाया है एंड इसकी जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी है। सेकंड प्रोडक्ट भी अगेन मैंने लिबास से लिया है। लिबास की कलेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने लिया है ये ट्यूनिक टॉप। इसकी जो लेंथ है ये आपके कमर तक आएगी एंड सामने में कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुआ है। बहुत ही अच्छा फिनिशिंग एंड काफ़ी क्लियर है, मतलब धागे इधर उधर मिक्स नहीं है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है एंड ये कम्प्लीटली ब्लैक है। तो मेरे को इस तरीके की ट्यूनिक टॉप चाहिए जो मैं जीन्स के साथ पैरअप कर सकूं। मैं आपको अपना साइज़ बता दे रही हूँ, मैंने एल में मंगवाया है क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लूज़ पैटर्न का चाहिए था। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा फिटिंग तो आप एम वगैरह साइज़ मंगवा सकते हैं। बट या अगेन इसकी फिटिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी एंड इसकी मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट है और मेरे लिए तो ये मेरा फेवरेट टॉप है। नेक्स्ट मैंने एक पैंट मंगवाया है टोक्यो टॉकी से एंड इसकी रैपिंग मैंने अभी तक खोली नहीं है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो मैंने मंगवाया है ये टोक्यो टॉकीज का प्लाजो पैंट। इससे पहले मेरे पास ऑरेंज एंड ब्लैक कलर का है, काफ़ी कंफर्टेबल होता है। लाइक समर्स में आपको जीन्स वगैरह पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरे को तो नहीं करता है एंड इस तरीके के पैंट ही मैं पहनती हूँ। तो मैंने अब की बार ये ब्राउन कलर का प्लाजो पैंट मंगवाया है। इसका जो लेंथ है ये एंकल लेंथ तक आता है और काफ़ी अच्छा फिटिंग भी आता है। इसके ऊपर अगर आप टी शर्ट वगैरह डाल दें तो काफ़ी कूल लगता है एंड काफ़ी कम्फर्टेबल होता है। तो गाइज, जो भी प्रोडक्ट मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हॉल पैक का एक लिंक शेयर किया है, आप अगर वो लिंक को क्लिक करेंगे आपको मेरे सारे फेवरेट प्रोडक्ट्स और जो भी प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ आपको मेरे स्टोर में मिल जाएगा। तो बस एक लिंक में क्लिक करके आप डायरेक्टली सारे चीज़ों को परचेस कर सकते हैं। सो ये थे कुछ क्लॉथिंग आइटम्स जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे। नेक्स्ट मैंने एक पेयर ऑफ बेलीस ऑर्डर किया है जो बाटा का है। बाटा वी ऑल नो बहुत ही पुरानी कंपनी है एंड काफ़ी अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो अब की बार अगेन मैंने एक ब्लैक बेलीस मंगवाया है। मेरे पास हमेशा एक ब्लैक बेलीस का पैर रहता है क्योंकि आप फॉर्मल्स में इसे पहन सकते हो, कैजुअल में भी पहन सकते हो, काफ़ी इजी होता है। और मेरे पास जो था वो धीरे धीरे ख़राब होने लग गया था तो इसलिए मैंने एक नया पैर मंगवाया है। इसकी जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छी है, लाइक स्वेड काइंड ऑफ मटेरियल है। मेरे पैर के साइज़ काफ़ी बड़े हैं तो मेरा
जो साइज़ है पैर का वो है 6। तो यस, मैंने फ्लिपकार्ट से ये दो बाटा के बेलीज मंगवाया है। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैं एक छोटा सा क्लच ली हूँ मेरी मम्मी के लिए। तो ये बहुत ही सिंपल सा ब्लैक कलर का क्लच है। समहाउ मेरे को ब्लैक कलर के क्लचेस बहुत अच्छे लगते हैं। छोटा सा बो हुआ है और यहाँ पे आप कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। नीचे में सेक्शन दिया गया है। इसे अगर मैं अभी रिमूव कर दूँगी तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस है। आप यहाँ पे अपना कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, नोट्स वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे आप कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। तो अंदर से काफ़ी स्पेशियस है, बट अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं रखते हैं तभी भी ये ज़्यादा प्लेस नहीं लेता है। आपके पास अगर बड़ा सा पर्स है तो उसके अंदर ये क्लच डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी कैरी कर सकते हैं। दिखने में काफ़ी सिंपल और बहुत ही क्यूट है, छोटा सा एक बो हुआ है। तो मेरे को इस तरीके के सिंपल क्लचेस बहुत पसंद है और मेरी मम्मी को भी पसंद है, तो इसलिए मेरे मम्मी के लिए मैंने ये एक क्लच लिया है। एंड द लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है वो है ये ऑक्सीडाइज ईयरिंग जो मैंने अभी पहना है। एक मिनट मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। सो ये ऑक्सीडाइज ईयरिंग मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है एंड इसके पीछे कुछ इस तरह से हुक आता है, काफ़ी इजी हो जाता है पहनना। जो प्रेस ऑन वाला आता है वो मेरे ईयरिंग में सूट नहीं करता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है मेरे को। तो मेरे को इस तरीके के हुक वाले ईयरिंग्स काफ़ी पसंद है एंड ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। इसकी जो फिनिशिंग है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। सो मैंने कुछ इस तरह से ऑक्सीडाइज ईयरिंग मंगवाया है एंड कुर्ती वगैरह में पहनने में काफ़ी अच्छा लगता है और इस लुक में भी ये काफ़ी अच्छा जा रहा है। सो ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने फ्लिपकार्ट से अब की बार मंगवाया है। आई होप आज का ये हॉल आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपकमिंग वीक्स में भी बहुत सारे हॉल वीडियोस आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। Run away with me, and I'll be good this time.